हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका कश्यप। आई वेलकम यू ऑल ऑन बाय फॉर यू चैनल। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगी जो आपका रिवाइज सिलेबस हुआ है अभी लेटेस्ट, सीबीएसई बोर्ड ने जिसको किया है 7 जुलाई को, उसने क्या किया है सीबीएसई ने कि आपके चेंजेस लाए हैं वो सिलेबस में। 30% जो सिलेबस है आपका वो डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी कि आपका जो ओल्ड सिलेबस है प्लस आपका जो रिवाइज सिलेबस है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, ताकि आप इस सिलेबस को माइंड में रखते हुए अपनी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको कर सको, राइट। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और ना ही इसको शेयर करना भूलें, राइट। तो इसको शेयर करिए ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसकी नॉलेज मिल सके कि जो रिवाइज सिलेबस है उसमें क्या क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फुल देखिए ताकि आपको नॉलेज मिल जाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं कंपेयर करके जो हमारा ओल्ड सिलेबस है प्लस हमारा जो रिवाइज सिलेबस है उसमें क्या चेंजेस हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी 5 यूनिट्स थी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, बट यहाँ पर आपकी 3 यूनिट्स है, 1st, 2nd, 3rd। तो यहाँ पर जो 1st 3 यूनिट्स हैं वो सेम है, यहाँ पर 1st 3 यूनिट्स है वो भी सेम है, बट यहाँ जो 4th यूनिट है, 5th यूनिट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो यहाँ मार्क्स का डिफरेंस देख लेते हैं। जो 1st यूनिट है 23 मार्क्स की थी, यहाँ पर आपकी यूनिट ये 27 की है, इट मीन्स 4 जो मार्क्स है वो बढ़ चुके हैं। 2nd यूनिट आपकी 20 मार्क्स की थी, अब जो यहाँ पर 2nd यूनिट है वो हो चुकी है 26 मार्क्स की, राइट। तो यहाँ पर 6 मार्क्स बढ़ चुके हैं। मोशन फोर्स एंड वर्क जो आपकी यूनिट थी वो 27 मार्क्स की थी और यहाँ पर ये 27 मार्क्स की ही है। टोटल आपके हो जाते हैं 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के, तो टोटल जो पेपर बन जाता है वो कितने का होगा, 100 मार्क्स का। अब हम आगे देख लेते हैं कि आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहली जो है आपकी 2nd यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजी की स्पेशली बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें देखिए सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा चैप्टर है, तो यहाँ पर भी देखिए सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सेल बेसिक यूनिट है जो आपकी, ये फुल चैप्टर सेम है, इसमें यहाँ पर बिल्कुल भी जरा सा भी चेंज नहीं किया है सीबीएसई ने। जो आपका सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, चैप्टर 5 है, दैट इज़ टोटली सेम। अब हम बात करते हैं टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म की। तो इसमें भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो स्ट्रक्चर जो है आपका, फंक्शन है आपके एनिमल्स और प्लांट टिश्यू के, वो भी सेम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी सारा का सारा सेम है, इट मीन्स जो आपका चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 है, दैट इज़ टोटली सेम। यहाँ पर कोई भी आपके चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ जो आपका चैप्टर 7 था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंशन किया हुआ है, फुल चैप्टर मेंशन किया हुआ है, बट यहाँ रिवाइज सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। इट मींस दिस चैप्टर हैज़ बीन टेकन आउट बाय द सीबीएसई की, आपका जो ये चैप्टर है सीबीएसई ने टोटल का टोटल चैप्टर आपका डिलीट कर दिया। इट मीन्स आपको चैप्टर 7 को रीड करने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं चैप्टर 8 जो आपका था, चैप्टर 13 जो आपका था हेल्थ डिजीज़ वाला, इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये है चैप्टर 13, ये भी आपका एसटी सेम है, इसमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस सीबीएसई ने नहीं किए हैं। तो ये चैप्टर सेम है, बस यहाँ पर फ़र्क क्या है कि आपको जो चैप्टर 7 है वो टोटली इन्होंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओल्ड सिलेबस में, तो यहाँ पर यूनिट 4 थी आवर एनवायरमेंट फिजिकल रिसोर्सेज, राइट। तो यहाँ पर क्या चेंजेस हुए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो चैप्टर है ये इंटरनल असेसमेंट के लिए काउंट होगा, इट मीन्स जो आपका ये चैप्टर है इसके लिए आपको पोर्टफोलियो बनानी पड़ेगी। पहले जैसे ये आपका एग्जाम में आता था पूरा पोर्शन 4th यूनिट एंड 5th यूनिट, आप देखोगे कि जो 5th यूनिट है वो तो टोटली यहाँ से डिस्कार्ड कर दी गई है, 5th यूनिट तो यहाँ पर है ही नहीं है। इट मीन्स जो आपका फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो भी आपका टोटल डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब आपको जो चैप्टर 15 था इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ था जो पुराने सिलेबस में, और जो यहाँ पर दिया हुआ है वो भी आपका टोटली सेम है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि जो आपका ये चैप्टर है आवर एनवायरमेंट, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए काउंट होगा जो आपके 20 मार्क्स लगते हैं, और पहले ये काउंट होता था जो आपके 80 मार्क्स लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं टोटल सिलेबस में बायोलॉजी के, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, अगर मैं डिलीटेड पोर्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो चैप्टर आपका है 7 एंड चैप्टर जो आपका है 15 फूड प्रोडक्शन वाला, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, वो टोटल डिलीट हो चुके हैं। अब आपके पास टोटल 4 चैप्टर हैं आउट ऑफ 6, तो आपका जो वर्कलोड है वो कम हो चुका है। आई होप अब आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपकी स्कोरिंग है वो भी बहुत अच्छी आएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड शेयर करना जितना हो सके इसको अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।